Hey guys, welcome back to your channel. Welcome back to another video. And first of all, thank you so much guys for showering so much love on the previous videos. I'm so grateful. आप सब ने उसका intention समझा और इतना प्यार दिया, मुझे इतने अच्छे अच्छे messages आए. I'm so overwhelmed and so grateful. Thank you so much. और आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं दिखाने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने लिए श्रेया जैन की रिकमेंडेशन से. नाउ इफ यू डोंट नो हु इज श्रेया जैन, देन यू आर डेफिनेटली लिविंग अंडर द रॉक. इनफैक्ट नॉट जस्ट अंडर द रॉक, मे बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड विच डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हु डजंट नो श्रेया जैन, राइट? सो उन्हीं की रिकमेंडेशन से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे जो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और उनका एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही छोटी चीज से. वो है छोटी बट इट वर्क्स वंडर्स. सो सबसे पहले है ये लिप बाम, विच इज वादी हर्बल लिप बाम. और ये इसका वेरिएंट है ब्लू बेरी लिप बाम. एंड आई डोंट नो इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं या नहीं आते हैं, बट श्रेया जैन ने ये वाला रिकमेंड किया था, सो आई गॉट दिस. एंड ट्रस्ट मी, श्रेया जैन की रिकमेंडेशन मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, बिकॉज आई नो इफ शी इज रिकमेंडिंग समथिंग इट हैज टू बी गुड, बिकॉज शी हैज ऑलवेज बीन सो ऑनेस्ट विद हर व्यूअर्स. So and obviously I aspire to be one ki logo ko lage ki acha Shivani ne recommend kiya hai, acha hi hoga. So I got this product and trust me, this is so amazing, like so amazing. एक तो जिसका पैकेजिंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये छोटी सी ऐसे पैकेजिंग में है, बहुत ईजी टू यूज है, इसको निकालो आराम से लगा लो. ऑल्सो इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत अमेजिंग है. सबसे मेरे जो लिप्स है वो बहुत एक्सट्रीम चैपी लिप्स है. इससे पहले आई ऑर्डर्ड वन लिप बाम विच इज अर्थ रिदम लिप बाम. वो मैंने लिया था सारा सरोज की रिकमेंडेशन से, हालांकि उसे श्रेया जैन ने भी रिकमेंड कर रखा है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. बट जब से मैंने ये ली है, दिस लिप बाम हैज माई हार्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी, अर्थ रिदम से ज्यादा अच्छी लगी. जबकि अर्थ रिदम बहुत कॉस्टली है, बट ये वाली बहुत अफोर्डेबल है. और इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो. डू ट्राई दिस लिप बाम अगर आपके चैपी लिप्स हैं. इट वर्क्स वंडर्स. मुझे जो भी प्रॉब्लम होता है लिप्स का, एक बार ही लगा के मुझे इसका असर दिख जाता है. इट्स दैट मैजिकल. सो डू ट्राई इट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम हर रिकमेंडेशन इज दिस, द फेस शॉप वॉटर फिक्स टेंट. दिस इज एक्चुअली नॉट अ लिपस्टिक, दिस इज जस्ट अ वॉटर टेंट. आप इसको ब्लश की तरह यूज कर सकते हो, इसको लिपस्टिक की तरह यूज कर सकते हो. आई हैव सीन श्रेया जैन यूजिंग इट सो ऑफन और उनको बहुत ज्यादा पसंद है, उन्होंने बहुत तारीफ की थी अपनी वीडियो में. सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने इस तरह के लिप टेंट्स कभी भी यूज नहीं किए. सो आई थॉट लेट मी गिव इट अ ट्राई, क्योंकि काफी सारे ब्लॉगर्स इसके बारे में बात कर चुके हैं. सो आई थॉट लेट्स ट्राई इट. बट टू बी ऑनेस्ट, मे बी आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, और मे बी इट डज नॉट वर्क फॉर मी. तो इसको जब मैं ब्लश की तरह यूज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज्यादा इसे बहुत ज्यादा ब्लेंड करना पड़ता है उसको, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और बहुत ही ऐसे ना अजीब सा हो जाता है. हालांकि जब एक बारी हो जाता है तो बहुत बहुत अच्छा ऐसे ना बहुत नेचुरल ग्लो आता है, बहुत नेचुरल ब्लश लगता है, तो वो बहुत अमेजिंग पार्ट है. बट मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसको ब्लश की तरह यूज करने के लिए. बट फॉर लिप्स आई थिंक इट्स प्रिटी गुड. काफी ज्यादा देर तक रहता है, बहुत नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है नेचुरली आपके रेड लिप्स हैं, तो वो चीज अच्छी है. बट आई एम नॉट लाइक वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट, बट ठीक है, काम चलाओ मेरे लिए ठीक था. तो आई डोंट नो, मे बी शायद मुझे यूज करना नहीं आया, बट मेरे लिए उतना ज्यादा वर्क नहीं किया. आई एम ओनली नॉर्मल सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, बट नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम श्रेया जैन रिकमेंडेशन इज माय फेवरेट थिंग, लाइक फेवरेट, शी हैज सेव्ड माय लाइफ फॉर दिस, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे बालों के लिए मैं कब से, लाइक आई डोंट इवन रिमेंबर, फ्रॉम इयर्स आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गुड शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर माई हेयर्स, और मुझे कभी कुछ भी अच्छा नहीं मिला. मैंने काफी सारे शैम्पूज ट्राई किए हैं, तो बट मैं यूज करती हूँ और फिर वो मुझे बाल रफ कर देते हैं या मुझे हेयर फॉल होने लगता है, बट मुझे कोई भी अच्छा शैम्पू या कंडीशनर नहीं मिला अपने हेयर के लिए. बट फाइनली आई गॉट दी शैम्पूज एंड कंडीशनर फ्रॉम श्रेया जैन रिकमेंडेशन. दीज आर हर्बल एसेंस कोकोआ बटर शैम्पू एंड कंडीशनर, और ये दोनों बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं. लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई शैम्पू एंड कंडीशनर लेके आई एम सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड. मेरे इनको लगाने के बाद मैं लिटरली अपने बालों को खोल के फील करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. इसको धो के आने के बाद ना काफी देर तक, इनफैक्ट फॉर एन एंटायर वन और टू डेज मुझे बालों में इसका फ्रेग्रेंस रहता है.
सेकेंड ऑब्वियसली इट इज 0% कॉलरेंस ग्लूटेन, ये केमिकल फ्री है. टू बी ऑनेस्ट एज फेयरजन ऑल्सो सेड कोई भी प्रोडक्ट प्योर केमिकल फ्री नहीं होता है, बट समहाउ दीज आर स्टिल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स काफी हद तक. सो यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई इट. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. इसने मेरा हेयर फॉल बहुत कम कर दिया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए हैं, टेक्स्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है. ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि हेयर फॉल बिल्कुल गायब हो गया है, इट इज स्टिल देयर, अभी भी होता है, क्योंकि इट्स बीन लाइक ओवर अ मंथ की मैं शैम्पू को यूज करती हूँ एंड आई वॉश माई हेयर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खत्म कर दिया है, बट हाँ काफी हद तक इसने मेरा इश्यू रिजोल्व किया है. ऑल्सो इसके बीच में मैंने एक बारी मोहित का शैम्पू जो लॉरियल का था वो यूज किया था जस्ट टू चेक कि वो वाला शैम्पू कैसा है, एंड ओ माई गॉड उसने मुझे इतना हेयर फॉल दिया. एंड आफ्टर दैट आई यूज इट and problem resolved. So I would definitely definitely highly recommend this product, and also I want to thank Shreya Jain for recommending this products to all of us, and I'm glad I took it. It has changed my life, my hair game actually. So I'm so proud of this purchase. The next product that I got from Shreya Jain recommendation is this Revitalift Hyaluronic Acid. I hope I'm pronouncing it right. So yeah, I got this. And to be honest, इसके बारे में मैंने बहुत सारी videos देखी. Everyone is going crazy about this serum. And I don't know why. I really don't know why. But obviously, everyone has different skin. Everybody has different textures. हर product सबकी skin पे अलग अलग तरह से काम करता है. So I got this product क्योंकि बहुत सारे लोगों ने recommend किया हुआ था इसे. Every beauty blogger is going mad with this product. But to be honest, it did not work for me. It did not work for me at all. मैंने जितनी बारी इसको यूज किया है उतनी बारी मेरी स्किन ब्रेकआउट की है, एंड अब तो मुझे डर लगता है इसको यूज करने में. टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको 1 time, 2 times, 3 times आई थॉट कि मे बी शायद कुछ और प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक दो बारी में मैं इसको नहीं जज कर सकती हूँ कि इसी ने मुझे ब्रेकआउट दिया है. बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ब्रेकआउट होती है स्किन. सो आई थॉट कि इसको और ट्राई करते हैं. And I tried to use it, but उसके बाद भी I have not seen any result. मुझे हर बारी breakout हुआ है. I am actually not at all happy with this product. But again, I will say कि skin to skin depend करता है. Maybe मेरी skin इस पे सही से react नहीं कर रही है, या फिर इस acid पे सही से react नहीं कर रही है, क्योंकि this is the first time I have used this. So it can be anything. और हो भी सकता है कि मे बी शायद मेरी ही कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से ये बार बार हो रहा हो, बट जो मैं नॉर्मल अपना डेली सीरम यूज करती हूँ आई थिंक उसको मुझे काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट एन ईयर, उससे मुझे कभी ब्रेकआउट नहीं हुआ. बट इसको मैंने जितनी बार यूज किया मुझे ब्रेकआउट हुआ है. सो आप अपनी रिसर्च करके ही इसको लेना. ओके, सो दैट वॉज माई मिनी रिव्यू ऑन ऑल दिस प्रोडक्ट्स. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड, एंड आई होप कि आपको भी कोई इनसाइट मिला होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी. एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सबसे मेन मेरे लिए था कि मुझे शैम्पू अच्छा सा मिल जाए, वो मुझे अच्छा सा मिल गया, सब कुछ बहुत अच्छा था. एंड आई एम श्योर कि जो चीजें मेरे लिए वर्क नहीं की है वो स्किन टू स्किन मैटर करता है, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ होगा. बट ये एक्चुअली में काफी लोगों को वर्क किया है और काफी लोग इनसे इन प्रोडक्ट से खुश हैं जो मेरे लिए शायद उतना ज्यादा वर्क नहीं किए. मे भी कोई प्रोडक्ट आपके लिए काम करे, मेरे लिए ना करे, मेरे लिए करे, आपके लिए ना करे, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट, सो मे बी आपको कुछ हेल्प हो जाए. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. गाइज मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं है, मतलब जो सब्सक्राइब है उनमें से बहुत कम लोग देख रहे हैं और वो लोग ज्यादा देख रहे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं है. तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी खुशी होगी. आप भी नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो ताकि आपको भी अपडेट्स मिलती रहे. सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट करो, शेयर करो, किसी और को भी हेल्प हो सकती है. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.